21वीं सदी है, विकसित भारत की बातें हो रही है, लेकिन देश में दहेज हत्याओं पर लगाम ही नहीं लग रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से दहेज हत्या का एक नया मामला सामने आया है। 2 अप्रैल को रिपोर्ट की गई इस हत्या मामले में पुलिस से मिली जानकारी में पता चला है कि लड़की को बेरहमी से पीटा और फिर उसकी हत्या उसके पति और ससुराल वालों ने इसलिए की क्योंकि महिला के परिवार वालों ने दहेज में फॉर्च्यूनर कार और 21 लाख रुपए नहीं दिए थे। ये मामला तो इसी हफ्ते का है, पर दहेज के नाम पर औरतों का उत्पीड़न और हत्या कोई नई बात नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई समय बदल गया है, अब हम एक विकसित भारत का हिस्सा है, तो आप गलत है। देश तो विकसित हुआ है, लेकिन देश की मानसिकता नहीं। हम आज भी ऐसे समाज का हिस्सा हैं जिसमें घर की इज्जत और समाज के नियम और कानूनों के नाम पर औरतों को दबाया जा रहा है। उनके साथ रोक टोक, मारपीट और हत्या जैसे संगीन अपराधों को अंजाम दिया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि दहेज होता क्या है और क्यों इसकी वजह से हर साल हजारों महिलाएं यातनाओं का शिकार होती है। वैसे तो दहेज का मतलब आज के समय में सभी जानते हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो दहेज के बिना शादी करते हैं। लेकिन दहेज का सीधा मतलब यही होता है कि दुल्हन के परिवार के लोग, यानी कि उसके माता पिता, दूल्हे के परिवार वालों को किसी तरह की नगद राशि या गाड़ी या बाइक या कोई अन्य गहने जवारात या कुछ और चीजें देते हैं, जो कि दूल्हे के घर वाले मांग कर भी लेते हैं। कई बार सीधे मुंह से बोलेंगे नहीं, पर उम्मीद इनको जरूर रहती है, और उम्मीद के हिसाब से ना मिले तो जिंदगी भर लड़की को सुनाया जाता है कि तुम्हारे घर वालों ने दिया ही क्या है। और ये सिर्फ लड़के के माँ बाप से ही नहीं, उनके चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, यहाँ तक कि पड़ोसी को भी जानना होता है कि नई बहू क्या और कितना लेकर आई है। और सबसे दुख की बात पता है क्या है, दहेज कभी हमारे देश की प्रथा थी ही नहीं। ये भारत में लाई गई अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के हमारे देश को इन्वेड करने से पहले दहेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हाँ, जो था वो आज जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। पहले के टाइम में दुल्हन के माता पिता उसे उपहार, जमीनें आदि के रूप में धन दिया करते थे। ये कीमती सामान या धन जो दुल्हन को दिया जाता था, उस पर दूल्हे या उसके परिवार वालों का कोई हक नहीं होता था, और इस धन या भूमि से मिलने वाली कमाई उसकी होती थी, जो उसकी शादी के बाद भी उसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए रखती थी। इसलिए भारत में दहेज के ओरिजिनल सिस्टम में महिलाओं को शादी के दौरान उनके माता पिता से उपहार में धन तो दिया जाता था, हर परिवार के अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, पर ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के एक टूल के रूप में कार्य करता था। पर फिर इस प्रथा ने एक अलग ही मोड़ ले लिया जब ब्रिटिश सरकार ने ऐसे लॉज बनाए जिसमें औरतों को प्रॉपर्टी पर कोई राइट्स नहीं थे। एक बार जब अंग्रेजों ने महिलाओं को किसी भी संपत्ति के अधिकार पर रोक लगा दी, तो इसका मतलब था कि महिला को अपने माता पिता से मिलने वाली सारी संपत्ति, जितना भी उसको सामान मिलता था, चाहे लैंड्स के रूप में चाहे पैसों के रूप में, उस पर उसके पति का हक होगा। और यहीं से शुरू हुई एक नई दहेज प्रथा, विच वॉज फिल्ड विद वुमेन बीइंग सप्रेस्ड, विक्टिमाइज्ड एंड ऑप्रेस्ड। अब लालच की संस्था बन चुकी थी ये प्रथा, जिसमें शादी को एक बिजनेस डील के रूप में देखा जाने लगा कि एक औरत आएगी तो अपने साथ पैसा, जमीन, जेवर लेकर आएगी, और इस तरह से शादी का प्योर कॉन्सेप्ट बन गया एक बिजनेस डील, जिसमें लड़का तो बन गया एसेट क्योंकि वो लाएगा इनकम, और लड़की बन गई लायबिलिटी क्योंकि उसको दहेज देना पड़ेगा। और इसी वजह से आप देखेंगे ये सिस्टम जहां बेटे की एजुकेशन या उसके बिजनेस सेटअप करवाने के लिए पैसा जमा करा जाता है, वहीं लड़की के लिए पैसा जमा किया जाता है उसके दहेज के लिए। एक बार शादी हो गई तो घर वापस आना लड़की और उसके परिवार के लिए शर्मसार माना जाता है। जब से पैदा होती है उसे एक बोझ माना जाता है। आपने कई जगह सुना होगा कि माँ बाप का बोझ हल्का हो गया, या फिर अब जहां तुम्हारी डोली गई वहीं से तुम्हारी अर्थी उठेगी। लड़कियों को हमारे समाज में बचपन से ये समझाया जाता है और यही बताया जाता है कि एक दिन तुम्हें पराए घर जाना होगा, तुम्हें लड़की की तरह रहना चाहिए, ससुराल में जाके ऐसे जुबान मत चलाना जैसे यहां चलाती हो, जैसे यहां रहती हो वैसे वहां नहीं रह सकती तुम ससुराल में। मतलब उन्हें बचपन से ही सबमिसिव बनाया जाता है, जो कि अपने पति के घर जाकर पति की सब बात सुने, घर के सारे काम करे। इनफैक्ट कई जगह ऐसे वाक्य देखने को मिले हैं जहां अगर कभी लड़की घर आकर अपने ससुराल में हो रहे दुष्कर्म या समस्याओं के बारे में बताती है तो उसे चुप रहने को या एडजस्ट करने को कहा जाता है।
अब क्योंकि लड़की हुई है और इसके लिए दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस यानी कि लिंग चयनात्मक गर्भपात या फीमेल फीटिसाइड यानी कि कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाएं भी अपनाई जाने लगी। दहेज एक ऐसी प्रथा है जो आप हर तरह की सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस में देखेंगे, गरीब से गरीब परिवार से लेकर अमीर से अमीर परिवारों में पैसा, गाड़ी, जेवर, कपड़े और ना जाने क्या क्या। और ये डिमांड्स सिर्फ शादी होने तक नहीं रुकती, उसके बाद भी चलती रहती है। कई किस्सों में शादी में मिला दहेज भी कम पड़ जाता है तो ये डिमांड शादी के बाद भी आती रहती है और लड़की के माँ बाप इन्हें पूरा भी करते हैं। चाहे कोई लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी और कमाने वाली भी क्यों ना हो, उसका परिवार फिर भी मजबूर है इस घटिया प्रथा का पालन करने के लिए, जिसे रस्मों रिवाज के नाम पर आज भी किया जाता है। एक डेटा के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच में देश में 35,493 दहेज हत्याएं दर्ज की गई। 2017 में 7,466, 2018 में 7,167, 2019 में 7,141, 2020 में 6,966 और 2021 में 6,753 दहेज हत्याएं दर्ज की गई है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर है, जहां उन 5 वर्षों में सबसे अधिक 11,874 दहेज हत्याएं दर्ज की गई, जिसमें हर दिन लगभग 6 मौतें हुई दहेज के लिए। दूसरे नंबर पर बिहार है, जहां 2017 और 2021 के बीच 5,354 हत्याएं। फिर मध्य प्रदेश, जहां 2,859 हत्याएं हुई, पश्चिम बंगाल में 2,379 और राजस्थान में 2,244। ये आंकड़े केवल 2017 से 2021 के हैं। हम और भी पीछे जा सकते हैं, पर वहां नंबर और भी ज्यादा है। तो दहेज हत्याओं को कैसे रोका जा सकता है? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 दहेज लेने को इलीगल तो बनाता है, पर इसे रोक नहीं पाता है। तो इसे कैसे रोका जा सकता है? इसे रोका जा सकता है अपनी मानसिकता बदलकर, लोगों में जागरूकता लाकर और अपनी बेटियों को सशक्त, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाकर। हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। दहेज देना और लेना दोनों तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक लोग इसे देना और देने वालों को मना करना शुरू नहीं करेंगे। सिर्फ एक वाक्य काफी होता है एक चेन रिएक्शन बनाने के लिए। अगर आप अपने घर से शुरुआत करेंगे तो आपके आसपास के लोग आपसे सीखेंगे और फिर उनके आसपास वाले उनसे सीखेंगे, एंड सो ऑन। अपनी बेटियों को पढ़ाइए, उन्हें लिखाइए, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दीजिए। जो पैसा आज आप उनकी एजुकेशन में लगाएंगे वो उनके लिए कल ससुराल में काम आएगा, जब उनको अपनी फाइनेंशियल नीड्स के लिए अपने पति के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। तब होगा आपका और आपकी बेटी का असली मायने में सर ऊंचा। तब मिलेगी उसको वो इज्जत, वो सम्मान जो आज कई लोग दहेज के बूते पर दिलवाना चाहते हैं। तब असली मायने में शादी दो बराबरी के इंसानों में होगी, ना कि एक एसेट और लायबिलिटी के बीच। आप अपनी बेटी किसी को दे रहे हैं, उससे बड़ा धन क्या हो सकता है भला। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।